रात्री एकाने बॅनर मारले आणि आज एक तुम्ही काढायला येता बरोबर सगळे बॅनर काढा सगळे काढा इथले बॅनर मग हे काढायचे फाटके बॅनर लोकांना पण कळू दे काय राजकारण होतंय इकडे हे बाजूवर हे बघा हे आपलं तुम्ही राजकारण करताय ते बघा तिकडे पण मारलंय इकडच्या लोकल आमदाराचा तुम्ही स्थानिक आमदाराची बॅनर तोडताय आणि दोन दिवसापूर्वी राजन गिरे आणि रिदा रशीद या दोघांनी इंटरव्ह्यू दिलाय प्रेसमध्ये की कोणाच्या पिछवाडे में दम असेल तर आम्ही ते बघतो म्हणून हे त्यांचे कारस्थान हे असलं सरकार चालवतात आणि सरकार असलं भांडगुळांना साथ देते राजन गिरेने बॅनर फडाय तो साबित कर देवे सीसीटीवी फुटेज किधर मिलेगा तो लेके आ और किधर नहीं रहेगा तो किधर मेरे को बोल मैं दिला देगा और अगर राजन की ने ये काम करने का रहता ना तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था अगर राजन की ने को बैनर फाड़ने का नहीं बाकी क्या फाड़ने का और राजन की ने को मालूम है लेकिन एक ही बात बोलता हूँ कि ये काम जिंदगी में कभी किया नहीं ये इन लोग का ही काम रहता है ये इन लोग ही बैनर फाड़ते और मैं रफ्शान बिरानी एमईटीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। एनसीपी कार्यकर्ता महेंद्र नायक उर्फ बंटी के फाड़े गए बैनर। जी हाँ दोस्तों, कल देर रात ऐसा आरोप लगाया गया है महेंद्र नायक उर्फ बंटी द्वारा कि उनके जो गणेश उत्सव पर जो बैनर लगाए जाते हैं जिसकी मुबारकबाद दी जाती है उन बैनरों पर ब्लेड मारी गई है, जिसमें कलवा उमरा विधानसभा के जो आमदार है डॉक्टर जितेंद्र रावड़ उनकी भी तस्वीर लगी हुई थी और दूसरे भी एनसीपी कार्यकर्ताओं की तस्वीरें लगी गई थी। वहीं महेंद्र नायक बंटी का आरोप है कि ये बैनर पूर्व ज्येष्ठ नगर सेवक श्री राजन नारायण किन्हे साहब के आदेश अनुसार फाड़े गए हैं, ऐसा आरोप बंटी नायक ने लगाया है। क्या कहा इस मामले में उमरा कौसा के वरिष्ठ नगर सेवक राजन किन्हे दादा ने और क्या कहा इस मामले को लेकर बंटी नायक ने, कैसे हंगामा हो रहा था उमरा पुलिस स्टेशन के बाहर, आइए देखते हैं, एक झलक डालते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर पर। धन्यवाद। आपके अधिकारियों ने कहा है भाग रहे लोग, कोई जवाब नहीं देने वाले, यही राजकारण है लोग। दादा, ये पुलिस स्टेशन के सामने जो है बैनर लगाया गया है गणेश उत्सव के अवसर पर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बैनर जो है मतलब एनसीपी के लोग हैं, आमदार का है फोटो उसमें और एनसीपी के पदाधिकारी हैं महेंद्र नाइक, तो इसमें आपका क्या कहना है? उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि आपके तरफ से आपके लोगों पर कि उन्होंने जो है बैनर फड़वाया है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पूरे मुमरा कौसा वालों को मालूम है कि राजन किन्हे किस तरीके का इंसान है। वो किसी के बैनर फाड़ने के लिए कभी जिंदगी में, कभी इतने सालों से देखा होगा कि कभी किसी ने बोला नहीं होगा कि राजन किन्हे ने किसका बैनर फाड़ा है या किसी को ये किया। इतने साल से किधर किधर बैनर लग रहे, हमने कभी जिंदगी में कभी किसको ये नहीं किया, विरोध नहीं किया, कुछ किया नहीं। लेकिन इसको मैं एक ही बोलता हूँ, इसको तो मेरे को बोलने की भी इच्छा नहीं रहती, ये तो उस लायक भी नहीं है। ये मेरे को मालूम है ना, ये सबसे बड़ा मुमरा का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर ये है। और इसने क्या किया, ये खुद ही इन लोग ने बैनर फाड़ा होगा और ये इन लोग का काम ही है। अभी मेरे लड़के को जो युवा समन्वयक कोऑर्डिनेटर का एक पद मिला, उसके लिए सब उमरा में बैनर लगे थे। वो आपको मालूम होगा कि वो बैनर किस तरह फाड़े गए थे और क्या किया था और कि कहाँ कहाँ लगे थे और बैनर किसने किसने पाड़ा, वो सब मालूम है। अगर राजन किन्हे ये बोलता है ये कि राजन किन्हे ने बैनर फाड़ा है, तो वो साबित कर देवे सीसीटीवी फुटेज किधर मिलेगा तो लेके आ, और किधर नहीं रहेगा तो किधर मेरे को बोल मैं दिला देगा। और अगर राजन किन्हे ये काम करने का रहता ना तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था। अगर राजन किन्हे को बैनर फाड़ने का नहीं, बाकी क्या फाड़ने का और राजन किन्हे को मालूम है। लेकिन एक ही बात बोलता हूँ कि ये काम जिंदगी में कभी किया नहीं, ये इन लोग का ही काम रहता है, ये इन लोग ही बैनर फाड़ते और इन लोग ही इशू करने का। इन लोग का इशू के सिवा क्या है? इतने सालों से आप देख रहे, 15 सालों में इन लोग इशू के सिवा क्या किए नहीं इन्होंने। अपने गणेश उत्सव के अवसर पर जो है ये जो बैनर लगाए हैं, तो इस पे ये बैनर लगा हुआ है, इस पे ब्लेड मारा गया है, किसने मारा है? ये जाहिर है विरोधकों ने मारा हुआ ब्लेड है, क्योंकि सामने जो उनके बैनर है उसके ऊपर कोई ब्लेड नहीं लगी है। और 3-4 दिन पहले इन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे बताया था
रीदा रशीद और राजन किरे ने कि जिसके पिछवाड़े में दम रहेगा वो हमारे बैनर निकाले या तो हमारे बैनर के आगे बैनर लगा के बतावे। तो शायद ये उनका ही काम है, मैं तो यही बोला। क्यों? क्योंकि राजन किरे के घर के आगे मेरा भी बैनर लगा हुआ है, उन्होंने मेरे भी बैनर के ऊपर ब्लेड मारा है, आवाड़ साहब के बैनर के ऊपर ब्लेड मारा है, और इन्होंने मतलब दुश्मनी का यह इतना कर दिया कि उस ब्लेड मारने के चक्कर में इन्होंने गणपति बाप्पा के ऊपर भी ब्लेड मार दिया। तो इनका कोई जात धर्म अभी बचा नहीं है, बस राजकारण और तलवे चढ़ने काम शुरू है। आपने कोई कंप्लेन की है? मैं अभी जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। अभी ये हो गया कि रात को इन्होंने ब्लेड मारे और सुबह सुबह उठ के म्यूनसिपालिटी आ गई और ये बैनर निकालने लगी। मैंने बोला बैनर निकालने का नहीं है, निकालना है तो सारे बैनर निकालो, क्योंकि यार सबूत मिटाने के चक्कर है लोग। तो अभी मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं एक रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, अगर इसी तरह से ये हुआ तो मैं, अगर मेरे को इससे इंसाफ नहीं मिला, सीसीटीवी वगैरह सब लगे हुए, पुलिस स्टेशन के सामने काम हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो शाम तक हम सारे रिक्शा भाई हम लोग हमारे रिक्शाएँ बंद कर देंगे। और ये हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब के बैनर के ऊपर भी इन्होंने ब्लेड मारा हुआ है, इसका जवाब एनसीपी पार्टी भी देगी। ठीक है, ये बैनर बंटी भाई त्योहारों के टाइम पे बैनरबाजी की लड़ाई एक किस लेवल पे जा रही है फिर? ये उनको पूछना चाहिए जिन्होंने ब्लेड मारे, अब पुलिस उनको ढूंढेगी तो आप सब उनको पूछ लेना। ये बैनर क्या बैनरबाजी त्योहारों के अंदर बैनरबाजी की लड़ाई में इन्होंने गणपति बाप्पा के फोटो के ऊपर भी अगर बैनर वो मार दिया, ब्लेड मार दिया। बैनर भाई, तो आपको आपका जो ये कहना है कि विरोधी जो है आपके या फिर पक्ष के कहिए, उनके दबाव के नीचे उमरा प्रभात समिति काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उमरा प्रभात समिति उनके दबाव के नीचे ही है। ये बैनर जो आपने लगाया है इसका परमिशन लिया आपने? हमने भी नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया। इसमें त्योहारों में बुमराह पे कोई चीज की परमिशन होती नहीं है और इसके लिए सभी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास धर्म की बात है, आस्था की बात है, आस्था की बात। तो अगर हमको कोई परमिशन पूछेगा तो सबसे पहले इसको निकालो, हम भी हमारे बैनर खुद उतार देंगे। मतलब राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है। राजनीति का स्तर इसलिए नीचे गिर रहा है क्योंकि छोटी और ओछी सोच वाले लोगों का साथ बड़े नेता दे रहे हैं। काम ही वही है, हम लोग ने बैनर फाड़ा नहीं, हम लोग को कर नहीं तो डर काहे को। अगर ये बोलता है कि राजेंद्र किरे ने बैनर फाड़ा है तो ये साबित करे, और नहीं साबित कर सका तो मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा कि राजेंद्र किरे का किधर भी डायरेक्ट नाम लेता है। अगर इसके आगे अगर राजेंद्र किरे का नाम लिया तो फिर बाद में उसका उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दादा, ये बैनरबाजी में जिस तरह आरोप लगाया है कि अवार्ड साहब का तो बैनर फाड़ा तो फाड़ा, पर गणपति का भी बैनर पे ब्लेड मारा है, अभी तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भगवान को बीच में लाया जा रहा है? अभी क्या मालूम है क्या ये काम कौन कर सकता है? ये इन लोग के पैर की मट्टी नीचे से निकल गई, सरक गई मट्टी, और इन लोग को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मुसलमान ने बैनर फाड़ा होगा, लेकिन ये कोई हिंदू भी बैनर नहीं फाड़ सकता क्योंकि ये इन लोग ही कर सकते, ये इन लोग का ही काम है। क्योंकि दूसरा कोई धर्म का मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है और हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ये हिंदू धर्म वाला कोई ऐसा फाड़ नहीं सकता या मुस्लिम धर्म वाला भी कोई फाड़ नहीं सकता बैनर। दादा, इसकी ये इन लोग क्या राजनीति करने का है ना, तो ये राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते, किस हद तक गिर सकते ये मुझे मालूम है और उमरा वालों को भी मालूम है। इसकी निंदा करते हैं आप जो है जो गणेश के का जो है फोटो पे लगाया है? जो भी कोई अभी निंदा क्या करने का, इन लोग ने ही किया है, इन लोग की निंदा करने का क्या मतलब है? निंदा का जो घर आशा विशेष है। दादा, कल गणेश चतुर्थी है, विसर्जन है, और परसों के दिन ईद है, मिलाद का जुलूस है, तो उसके लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन पर? गणेश कल विसर्जन है, गणपति बप्पा मौर्य मंगल मूर्ति मौर्या पुरचा वर्षी लौकरिया, अभी कल गणपति विसर्जन हो जाएंगे और अगले साल के लिए जल्दी आने के लिए गणपति बप्पा को कहेंगे। और परसों हमारा ईद मिलाद उन नबी का जुलूस है मुमरा में, और ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत पैगंबर साहब का जन्मदिन है, और जन्मदिन के मौके पर मैं हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जुलूस हमारे जो उमरा में निकले इतने सालों का है, इसके मेंबर इसके फाउंडर मेंबर फाउंडर अध्यक्ष हमारे अरुण मास्टर भी चाचा ये थे और इन्होंने ये जुलूस शुरू किया था उस वक्त। तो आज तक ये जुलूस सभी धर्मों के लोग इसमें सम्मिलित होकर इस जुलूस को बड़ी पैमाने पे साजरा करते हैं।